बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कहानी नगर। एक शहजादा बदसूरत था और इसका कद भी छोटा था। इसके दूसरे भाई नहायत खूबसूरत और लंबे कद के थे। एक बार बादशाह ने बदसूरत शहजादे की तरफ जिल्लत और नफरत की नज़र से देखा। शहजादे ने अपनी जहाने से बाप की निगाह को ताड़ लिया और बाप से कहा कि ऐ अब्बाजान, समझदार ठीक ना लंबे बेवकूफ़ से अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ देखने में बड़ी है वो कीमत में भी ज़्यादा हो। देखिए हाथी कितना बड़ा होता है मगर हराम समझा जाता है, और इसके मुकाबला में बकरी कितनी छोटी है मगर इसका गोश्त हलाल होता है। सारी दुनिया के पहाड़ों के मुकाबला में तूर बहुत छोटा पहाड़ है, लेकिन खुदा के नज़दीक इसकी इज्जत और मर्तबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ पर खुदा का नूर देखा था। क्या आपने सुना है कि एक दुबले पतले अक्लमंद ने एक बार एक मोटे बेवकूफ़ से कहा था कि अगर अरबी घोड़ा कमज़ोर हो जाए तब भी वो गधों से भरे हुए पूरे इस्तबल में अच्छा और ताकतवर होता है। बादशाह शहजादे की यह बात सुनकर मुस्कुराया। तमाम अमीर और वजीर खुश हुए और इसकी बात सबको पसंद आई, लेकिन शहजादे के दूसरे भाई इससे जल गए और रंजीदा हुए। जब तक इंसान अपनी जबान से बात नहीं करता उस वक्त तक उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ढकी छुपी रहती हैं। हर जंगल को देखकर यह ख्याल ना करो कि वो खाली होगा। तुम्हें क्या खबर कि इसमें कहीं शेर सो रहा है? मैंने सुना है कि इसी ज़माने में बादशाह को एक ज़बरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा। जब दोनों तरफ की फौजें आमने सामने आईं और लड़ाई शुरू करने का इरादा किया तो सबसे पहले जो शख्स लड़ने के लिए मैदान में निकला वही बदसूरत शहजादा था, और इसने पुकार कर कहा, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि तुम लड़ाई के दिन मेरी पीठ देख सको। मैं ऐसा बहादुर हूँ कि तुम मेरा सर खाक और खून में लथड़ा हुआ देखोगे, यानी मैं दुश्मन से लड़ते लड़ते जान दे दूंगा मगर हिम्मत ना हारूंगा। जो लोग खामखा लड़ाई पर आमादा होते हैं वो खुद अपने खून से खेलते हैं, यानी मुफ्त जान गंवाते हैं, और जो लड़ाई के मैदान से भाग जाते हैं वो पूरी फौज के खून से खेलते हैं। ये कहकर शहजादे ने दुश्मन की फौज पर बहुत सख्त हमला किया और कई बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया। जब बाप के सामने आया तो अदाब बजा लाया और कहा, ऐ अब्बाजान, आपने मेरे दुबले पतले कमज़ोर जिस्म को जिल्लत की निगाह से देखा और हरगज़ मेरे हुनर की कीमत को ना समझा। आपको मालूम होना चाहिए कि पतली कमर वाला घोड़ा ही लड़ाई के मैदान में काम आता है, बे आराम और आसाइश में पला हुआ मोटा ताज़ा बैल काम नहीं आ सकता। कहते हैं दुश्मन की फौज बहुत ज़्यादा थी और शहजादे की तरफ सिपाहियों की तादाद कम थी। कुछ ने भागने का इरादा किया। शहजादे ने इनको ललकारा और कहा, ऐ बहादुरों, कोशिश करो दुश्मन का मुकाबला करो या फिर औरतों का लिबास पहन लो। इसकी बात सुनकर सिपाहियों की हिम्मत बढ़ गई और सब दुश्मन की फौज पर टूट पड़े और उसको मार भगाया, और दुश्मन पर इसी दिन फतह हासिल की। बादशाह ने शहजादे को प्यार किया और अपनी गोद में बैठाया और रोज़ बरोज़ उससे मोहब्बत बढ़ने लगी और उसको अपना वली अहद बनाया। दूसरे भाइयों ने यह हाल देखा तो हसद की आग में जलने लगे और एक दिन बदशक्ल शहजादे के खाने में जहर मिला दिया। उसकी बहन ने खिड़की से देख लिया और शहजादे को खबरदार करने के लिए खिड़की के दरवाजे जोर से बंद किए। शहजादा उसकी आवाज़ से चौंक पड़ा और अपनी जहानत से समझ गया कि दाल में कुछ काला है। खाना छोड़ दिया और कहने लगा, ये तो नहीं हो सकता कि बेहुनर लोग जिंदा रहें और हुनरमंद मर जाएं। अगर हुमा दुनिया से ख़त्म हो जाए तब भी कोई शख्स उल्लू के साया में आना पसंद ना करेगा। बाप को इस वाकया की इतला दी गई तो इसने शहजादे के सब भाइयों को बुलाया, उनको मुनासिब सजा दी। इसके बाद हर एक को अपने मुल्क का एक एक हिस्सा दे दिया ताकि आपस में झगड़ा फसाद ना करें। इस तरह यह फितना और फसाद ख़त्म हुआ। सच्ची बात यह है कि दो फकीर एक कंबल ओढ़कर आराम से लेट सकते हैं, लेकिन दो बादशाह एक मुल्क में नहीं रह सकते। अल्लाह का एक बंदा आधी रोटी खा लेता है और आधी दूसरे भूखे शख्स को दे देता है, मगर एक बादशाह का ये हाल होता है कि अगर दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले तब भी इसको बाकी दुनिया पर कब्जा करने की फिक्र सवार रहती है। शुक्रिया।